एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पोगो क्लास। टुडेज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ईवीएस ऑफ क्लास फोर्थ, लेसन नंबर 7, हार्ट बीट। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देयर एक्सरसाइज, सो लेट्स सी विथ मी एंड नोट डाउन इन योर कॉपीज नोटबुक। फर्स्ट ओरल क्वेश्चन, इन द बॉडी ऑन विच साइड कैन यू फील द हार्ट बीट। यहाँ पूछा जा रहा है आप अपने शरीर के कौन से पोर्शन में हार्ट बीट को महसूस करते हैं। सो योर आंसर इज इन द बॉडी ऑन लेफ्ट साइड कैन वी फील द हार्ट बीट। कौन साइड में? लेफ्ट साइड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द डॉक्टर्स लुक फॉर इन अ पेशेंट्स ब्रेस्ट। डॉक्टर जो है पेशेंट मतलब मरीज के कलाई है ना, मरीज का जो कलाई है वहाँ क्या देखते हैं। सो योर आंसर इज डॉक्टर्स लुक पल्स रेट इन अ पेशेंट्स ब्रेस्ट। डॉक्टर जो है क्या देखते हैं? पल्स रेट, नाड़ी की आवाज, धड़कन, नाड़ी की आवाज, गति को देखते हैं ना, जो आपका गति है, नाड़ी की गति, उसको चेक करते हैं। रिटर्न क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ट्रू, राइट, ट्रू और फॉल्स, आपको सही गलत बताना है। द हार्ट ऑलवेज बीट, आपको पूछा जा रहा है द हार्ट बीट, हार्ट ऑलवेज बीट है ना, हमारा जो हार्ट है हमेशा धड़कता है, तो ये ट्रू आएगा है ना, क्योंकि इसी के हमारा जो हार्ट है ना वो डेली ऑलवेज मतलब एनी पूरे समय धड़कता है, तभी हम सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। क्वेश्चन टू, व्हाइल रनिंग हार्ट बीट बिकम स्लो। जब हम रनिंग मीन्स दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट, दिल की धड़कन स्लो हो जाता है, नहीं जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आएगा। थ्री है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप पल्स रेट कैन नॉट बी चेक्ड। हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट बीट चेक नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। हम लोग हार्ट बीट स्टेथोस्कोप के थ्रू ही पल्स रेट चेक नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं हम लोग है ना, पल्स रेट स्टेथोस्कोप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फॉल्स। क्वेश्चन टू है, इन योर बॉडी वेयर डू वी फाइंड द पल्स। हमारे जो शरीर है पल्स कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं है ना, सो आपका आंसर हो जाएगा इन आवर बॉडी वी फाइंड द पल्स नेक, ब्रेस्ट, बिहाइंड द नी, ऑन फुट है ना। हम हमारे शरीर में गले में कलाई, बिहाइंड द नी मीन्स घुटने के पीछे और पैर में भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन इंस्टेंस इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, थिंक एंड टेल विच एक्टिविटी इंस्टेंस मेक्स द बीटिंग फास्टर और स्लोअर, राइट इन द टेबल। जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो करके देखिए या सोचिए कौन से काम में आपको फास्ट रहता है हार्ट बीट और कौन से में स्लो। तो यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट है, आफ्टर साइकिलिंग, साइकिल चलाने के बाद, तो आपका हार्ट बीट कैसे हो जाएगा? फास्ट, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए रहता है, तो जल्दी जल्दी हार्ट बीट होता है ना, ब्रीथिंग भी होता है। क्वेश्चन टू है, आफ्टर रीडिंग, रीडिंग के बाद, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल रहेगा। वेन अफ्रेड, जब आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो फास्ट, डर के कारण आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। वाइल स्लीपिंग, जब आप सोते हैं तो क्या रहता है? स्लो। वाइल ईटिंग, खाना खाने के समय भी नॉर्मल रहेगा। वाइल वॉचिंग टीवी,
जब हम टीवी देखते हैं तो हमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती, तो वहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल, है ना। ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।